वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपका चिल्लाधर ट्रांसफॉर्मेशन और कल आपने सीखा था अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का इंटरचेंज, ठीक है। आज हम सीखेंगे एक्स्ट्रा मैटोरी सेंटेंस से अफर्मेटिव मिलाना, ठीक है। एक्स्ट्रा मैटोरी सेंटेंस से आपको लाना किसमें है, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं क्या टॉपिक आपका है। टॉपिक आपका है एक्स्ट्रा मैटोरी सेंटेंसेस से असर्टिव में चेंज करना। तो एक्स्ट्रा मैटोरी सेंटेंस से असर्टिव में चेंज करना, तो स्टूडेंट्स इसके तीन रूल है और वो तीन रूल को आपको फॉलो करके हम आसानी से किसी भी एक्स्ट्रा मैटोरी सेंटेंस को असर्टिव में ला सकते हैं, ठीक है। तो आर वन जो पहला रूल है वो क्या है, आइए देखते हैं। लिखा है रूल वन, क्या करना है आपको कि व्हाट अथवा या हाउ को वेरी में चेंज करके, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला रूल क्या है, व्हाट या हाउ को वेरी में चेंज करके। आप व्हाट और हाउ को वेरी में चेंज करके आप एक्स्ट्रा मैटोरी सेंटेंस को आप असर्टिव में आसानी से चेंज कर सकते हो। कैसे, आइए लेते हैं एग्जांपल्स। लिखा है क्या कि हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, ठीक है। लिखा क्या है कि हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, कि सुबह कितनी सुंदर है। तो एक्स का मैटोरी सेंटेंस होगा उसका भाव क्या होगा कि सुबह कितनी सुंदर है, मतलब सुबह बहुत सुंदर है। तो हाउ का प्रयोग होगा या व्हाट का प्रयोग हो, तो आप इन दोनों को आप वेरी में चेंज कर दोगे तो आपका असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। लिखा क्या है कि हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, कि सुबह कितनी सुंदर है, मतलब सुबह बहुत सुंदर है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि आपका सभी क्या है, सुंदर क्या है, द मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा कि द मॉर्निंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हाउ और वर्ड को आप वेरी में चेंज करके आसानी से असर्टिव सेंटेंस में आप चेंज कर सकते हो। कह रहा है क्या कि हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, कि सुबह कितनी सुंदर है, मतलब सुबह बहुत सुंदर है। द मॉर्निंग इज वेरी ब्यूटीफुल। आइए अगला देखते हैं, लिखा है क्या, एक वर्ड का प्रयोग लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है व्हाट इज, व्हाट ए नाइस स्टोरी इज। व्हाट ए नाइस स्टोरी इज, कहानी कितनी अच्छी है, मतलब कहानी बहुत अच्छी है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा कि स्टोरी क्या अच्छी है, स्टोरी, तो स्टोरी इज वेरी नाइस। तो इस प्रकार से आप हाउ को और व्हाट को वेरी में चेंज करके आसानी से किसी भी सेंटेंस को असर्टिव में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में देखो, इसमें हाउ और व्हाट के प्रयोग में एडजेक्टिव आया है, ठीक है।
तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं एक्सक्लेमेटरी जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम एडजेक्टिव के रूप में शब्द को समझ जाते हैं, कोई भी एडजेक्टिव नहीं दिया होता है। तो ऐसी अवस्था में जब हम असर्टिव में लाएंगे तो हमें अपने तरीके से किसी एक उचित एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें तो एडजेक्टिव का प्रयोग था, ठीक है, इसमें इस वाले सेंटेंस में ब्यूटीफुल का प्रयोग, इस वाले सेंटेंस में नाइस का प्रयोग। तो ऐसे अब हम सेंटेंस देखेंगे जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिखा गया कि सेंटेंसेस विदाउट एडजेक्टिव, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो विदाउट एडजेक्टिव हो, मतलब जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग ना हो। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि एग्जाम्पल को दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, मतलब विचार बहुत अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है क्या कि व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, इसका मतलब क्या हुआ कि विचार बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमें अपने तरफ से एक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, मतलब विचार बहुत अच्छा है। तो आइडिया इज वेरी, और एडजेक्टिव हम क्या लगा देंगे, गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप बिना एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस को भी आसानी से असर्टिव में ला सकते हो। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं। कह रहा है क्या, लिखा है कि व्हाट ए स्टोरी, व्हाट ए स्टोरी, मतलब क्या कहानी है, तो क्या हो जाएगा, मतलब कहानी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि स्टोरी इज वेरी गुड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग ना हो तो ऐसे सेंटेंस को भी आसानी से असर्टिव में चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब का प्रयोग तो होता है और एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, लेकिन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है क्या एग्जांपल कि व्हाट ए ग्रेट वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है व्हाट ए ग्रेट वर्क, मतलब क्या महान कार्य है, इसमें इस का प्रयोग नहीं है, वर्क का प्रयोग नहीं है, केवल एडजेक्टिव दिया हुआ है और इसमें कोई भी वर्क का प्रयोग नहीं है। तो आप आसानी से बना सकते हो अर्थ निकाल करके, क्या व्हाट ए ग्रेट वर्क, क्या महान कार्य, मतलब क्या महान कार्य है, अर्थात कार्य बहुत महान है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा कि वर्क इज वेरी ग्रेट। तो इस प्रकार से आप किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, चाहे उसमें वर्ब हो या ना हो, आप आसानी से उसको असर्टिव में चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, मतलब इंटरजेक्शंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें इंटरजेक्शंस का प्रयोग हो, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को कैसे असर्टिव में लाते हैं, आइए देखते हैं। लिखा है क्या
नोट, कह रहा है क्या कि सेंटेंसेस विद इंटरजेक्शंस, ठीक है, लिखा है सेंटेंसेस विद इंटरजेक्शंस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ हो। इंटरजेक्शन मतलब क्या हुआ, एलॉस, ठीक है, ऐसे इंटरजेक्शंस का प्रयोग हो तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, ठीक है, लिखते हैं, लिखा है क्या कि बनाने असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के नियम, यहां दिया हुआ है कि असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के नियम। तो जब सेंटेंस में इंटेंशन दिया हो तो उन वाक्यों को, उन एक्स्ट्रा मैटेरियल मैटर सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के नियम क्या है, क्या करना आपको है कि रूल दिया हुआ है कि आश्चर्य सूचक, आश्चर्य सूचक मतलब दिया है क्या, ओ व्हाट एक्सेट्रा को इट इज वंडरफुल में दुख सूचक मतलब ओ आ या एलास एक्सेट्रा को इट इज सैड में और प्रसन्नता सूचक मतलब लिखा है हुर्रा वाव एक्सेट्रा को इट इज जॉय फुल में चेंज कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इंटरजेक्शंस का प्रयोग हो, लिखा है विद सेंटेंसेस विद इंटरजेक्शंस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इंटरजेक्शन का प्रयोग हो तो हमें करना क्या है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के नियम तब क्या होंगे, तब हमें करना क्या है कि आश्चर्य सूचक जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो, जैसे कि ओ व्हाट आदि आदि को हम इट इज वंडरफुल में चेंज कर देंगे। लिखा है दुख सूचक इंटरजेक्शंस को मतलब ओ आ एलॉस एक्सेट्रा को इट इज सैड में चेंज कर देते हैं, और प्रसन्नता सूचक मतलब हुर्रा वाव एक्सेट्रा को इट इज जॉयफुल में चेंज कर देते हैं, और बाकी सेंटेंस को वैसे का ही वैसे लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, पहले हम एक देखेंगे आश्चर्य सूचक, लिखा है क्या, क्या लिखा है, क्या कह रहा है कि व्हाट मोहन हैज पास इन IAS, ठीक है, यह व्हाट क्या मोहन हैज पास इन IAS, मोहन IAS में पास हो गया है। तो यहां पर जो व्हाट शब्द है वो आश्चर्य को दिखा रहा है, सरप्राइज को दिखा रहा है, तो जब आश्चर्य को दिखाएगा तो हम व्हाट को किसके लाएंगे,
इट इज वंडरफुल मिलाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका जो असेटिव बनेगा ये आपका एक्सक्लामेटरी में है, ये आपका सेंटेंस एक्सक्लामेटरी में है, तो इसका हम असेटिव कैसे बनाएंगे, वर्ड को इट इज वंडरफुल में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज वंडरफुल, चूंकि क्लास बन गया इसलिए हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा, कंडीशन लगाओ दैट, दैट को शब्द लगाना पड़ेगा, चाहे वो किस वंडरफुल में चेंज करो, चाहे किस सैड में चेंज करो, चाहे किस जॉयफुल में चेंज करो, कंजक्शन हमें दैट लगाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, इट इज वंडरफुल दैट मोहन हैज पास्ड इन IAS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप किसी भी आश्चर्यसूचक इंटरजेक्शन को इट इज वंडरफुल दैट में चेंज करके आसानी से असर्टिव बना सकते हो। ठीक है, अब हमें एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें दुख दिखाया जाए, दिखाया क्या एग्जांपल अगला है कि एलास आई हैव रुइंड माइसेल्फ, लिखा हुआ है क्या, एलास आई हैव रुइंड माइसेल्फ। ठीक है, ये बड़ी दुख की बात है कि मैंने स्वयं को बर्बाद कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलॉस इंटरजेक्शन है वो क्या दिखा रहा है, वो दुख सूचक है, मतलब दुख दिखा रहा है, तो किसी भी दुख सूचक मतलब ओ आ एलॉस को हम इट इज सैड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा कि इट इज सैड, कंडीशन जाएगा दैट आई हैव रुइंड माइसेल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को जो दुख सूचक इंटरजेक्शन में हो, ठीक है, उनको इट इज सैड में चेंज करके आप आसानी से असर्टिव सेंटेंस में ला सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रसन्नता का भाव हो, तो वो भी आपका ठीक वैसे ही बनेगा। आइए देखते हैं, यह है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें आप देखोगे कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रसन्नता दिखाई जाए। ठीक है, लिखा है क्या, पूरा आई हैव बॉट बी फर्स्ट डिवीजन, लिखा हुआ है क्या, हुरा आई हैव गॉट द फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, आना हुरा मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गया हूँ, यहाँ पर प्रसन्नता की बात है। तो ये हुरा एक ऐसा इंटरजेक्शन है जो आपका प्रसन्नता दिखाएगा, हैप्पीनेस दर्शाएगा, तो आपको करना क्या है, ये हुरा को बताया था आपको चिंत करना इट इज जॉयफुल में, तो हुरा को आप इट इज जॉयफुल में चेंज कर दीजिए कि इट इज जॉयफुल, कंडीशन क्या आएगा आपका दैट, बाकी आप सेंटेंस को छोड़ दीजिए, आई हैव गॉट द फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी एक्स्ट्रा मैट्रिक सेंटेंस को असेंटिव में ला सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके दो नियम आपके चेंज हो जाते हैं, दो नियम आपके चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद में आपका आता है क्या कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इच्छा को दर्शाया जाए। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इच्छा को दर्शाया जाए तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं,
लिखा है क्या कि एक्स का मैटोरी सेंटेंसेस शोइंग विस, लिखा है क्या कि एक्स्ट्रा मैटोरी सेंटेंसेस शोइंग विस, अर्थात ऐसे एक्स्ट्रा मैटोरी सेंटेंसेस जो इच्छाओं को दर्शाए, इच्छा को दर्शाए। तो करना क्या है कि असर्टिव में चेंज करने के नियम क्या हैं। तो असर्टिव में चेंज करने के नियम तब क्या होंगे, क्या नहीं बनेगा कि एफ ओ या ओ दैट या वुड दैट या कुड और कुड दैट को आई विश दैट में चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए, फिर से कह रहा है क्या कि एक्स्ट्रा मैटोरी सेंटेंसेस शोइंग विश, अर्थात ऐसे एक्स्ट्रा मैटोरी सेंटेंस जिसमें इच्छा को दर्शाया जाए, जैसे दिया है क्या कि तो असर्टिव सेंटेंस करने के लिए तब क्या बनेंगे कि इफ ओ या ओ दैट या वुड दैट या कुड दैट को हम आई विश दैट में चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये सभी शब्द जो हैं, चाहे इफ हो चाहे ओ हो चाहे ओ दैट हो चाहे वुड दैट हो चाहे कुड हो चाहे कुड दैट हो, इन सभी का मतलब होगा कास, इन सभी का अर्थ क्या निकलेगा कि कास। और काश शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब हम कोई इच्छा रखते हैं, काश में प्रधानमंत्री होता, काश में लखपति होता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी शब्दों को आप आई विश में चेंज कर, बहुत सरल है, आई विश में चेंज कर दीजिए और कंजंक्शन दैट लगा दीजिए और बाकी सेंटेंस को पूरा वैसे लिख दीजिए। तो आइए देखिए एग्जाम्पल लिखा है क्या कि ओ I have been a king, तो क्या दिया है कि ओ आई हैव बीन ए किंग, काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता। तो काश का मतलब यहाँ पर क्या है कि मेरी इच्छा है कि मैं एक राजा होता। तो क्या करेंगे ओ को हम किस मिलाएंगे, आई विश में, तो आई विश कंडीशन क्या आएगा दैट आई हैव बीन ए किंग, ठीक है। तो यहां पर ओ का मतलब कहा गया है कॉस, ठीक है। और कुछ सब लेते हैं कि इफ I were a doctor, या क्या कि if I were a doctor, काश मैं एक डॉक्टर होता, अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं एक डॉक्टर होता। तो if को किसमें जाएंगे I wish that में, क्या हो जाएगा कि I wish कंडीशन क्या आएगा that I were a doctor, ठीक है। इस प्रकार से दिया है क्या एक दूसरा का एग्जाम्पल हो गया, ये पहला एग्जाम्पल, इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा है क्या would that I had not
स्पेंड माई टाइम, लिखा है क्या, टू डेट प्रकाश आई हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम, मैंने अपना समय बर्बाद ना किया होता। तो कुड दैट का मतलब कि भाई यहाँ पर है कि मेरी इच्छा है, मतलब काश, तो कुड दैट मतलब काश आई हैड नॉट वेस्टेड माय टाइम, मैंने अपना समय बर्बाद ना किया होता, नष्ट ना किया होता। तो कुड दैट किस मिला हो गया, आई विश में, क्या हो जाएगा, आई विश, कंडीशन क्या आएगा, दैट, आई विश दैट आई हैड नॉट वेस्टेड My time। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप आसानी से किसी भी एक्स्ट्रा वर्ब सेंटेंस को आप असेंडिंग में चेंज कर सकते हो। फिर से आप सुन लीजिए, लिखा है क्या, एक्स्ट्रा वर्ब सेंटेंसेस सोइंग बेस, ऐसे एक्स्ट्रा वर्ब सेंटेंसेस जिसमें इच्छा को दर्शाया जाए, तो असेंडिंग में चेंज करने के नियम क्या बनेंगे कि इफ मतलब काश, ओ मतलब काश, ओ दैट मतलब काश, वुड दैट मतलब काश, और कुड या कुड दैट दोनों काश मतलब काश को हम आई विश दैट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये सभी जो आपके शब्द हैं उनका अर्थ निकलेगा काश, और काश का प्रयोग होता है जब कोई इच्छा का प्रयोग होता है या इच्छा दर्शाई जाती है। तो आपने देखा एग्जाम्पल नंबर वन में क्या है कि ओ आई हैव बीन अ किंग, काश मैं एक राजा होता, तो यह क्या है कि आई विश, मेरी इच्छा है दैट आई हैव बीन अ किंग, मैं एक राजा होता। ऐसे ही लिखा है इफ आई वर ए डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता, ठीक है, तो इफ को हमने किसमें चेंज किया, आई विश में, तो आई विश दैट आई वर ए डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता। तीसरा क्या दिया हुआ है, कुड दैट आई हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम, काश मैंने अपना समय नष्ट ना किया होता, तो कुड दैट इसका अर्थ क्या है, काश। तो हमने क्या किया, कुड दैट को आई विश में चेंज किया और बाकी से हमने पूरा वैसे की वैसे ही किया, वो सब इजी है, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके तीनों रूल्स हैं जिससे कि आप किसी भी एक्स्ट्रा मैटर सेंटेंस को आप आसानी से असेंटिव सेंटेंस में ला सकते हो, और आशा करता हूँ कि आपने इन नियमों को अच्छे तरीके से समझा है, और आप अपनी कॉपी पर नोटबुक में नोट भी कर लेंगे, ठीक है, और इससे संबंधित जो आपका होमवर्क है वो आपको हमारे व्हाट्सएप के द्वारा आपके तक भेज दिया जाएगा, और उम्मीद करता हूँ उसे आप श्योरली हल करोगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट अस, और इसके बाद में हम अपने अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे क्या इसके रिवर्स नियम, कि ये तो आपने सीखा है कि एक्स्ट्रा मैटोरी सेंटेंस को हम किस प्रकार से असेंटिव में लाएं, और इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से असेंटिव सेंटेंस को हम एक्स्ट्रा मैटोरी सेंटेंस में लाएं, इसके ठीक रिवर्स रूट्स का प्रयोग होगा वो आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय।